आप सभी को तो याद ही होगा टोनी स्टाक ने कुछ दिन पहले एक डायमंड की बुलेट ट्रेन बनाई थी बट भाई साहब बाद में पता चला वो डायमंड की बुलेट ट्रेन लिटरली में बन गई थी आइस बुलेट ट्रेन लावा बुलेट ट्रेन इसलिए भाई टोनी स्टाक ने उस बुलेट ट्रेन को तो कचरे में फेंकवा दिया क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो पाई बट अब टोनी ने बनाई है एकदम ब्रांड न्यू प्योर गोल्ड की बुलेट ट्रेन वाह भाई कल वे भाई टोनी पर इतना पैसा आता कहा माना तो ये गया है कि जो गोल्ड की बुलेट ट्रेन है ना टोनी ने कम से कम दस करोड़

न्यू गोल्ड की बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रही थी और आज फाइनली ये हमारे सामने है वाह भाई यहाँ पर तो सच में काफी लोग हैं। अरे भैया हमें तो इंतजार है इस गोल्ड की बुलेट ट्रेन पे बैठने का अरे बिल्कुल सही कहा भैया हम भी गोल्ड की बुलेट ट्रेन पे बैठेंगे वाह यार टोनी काफी लोग आए। हाँ भाई हाँ दस हजार करोड़ की बुलेट ट्रेन है ये इतना ही नहीं इस बुलेट ट्रेन में एक स्पेशल फीचर भी है अरे टोनी अब बता भी दे सबको भाई की क्या है स्पेशल फीचर बताता हूँ बताता हूँ देखो इस बुलेट ट्रेन पर आप जो भी अपना सामान लेकर जाओगे और उसको आपने गलती से भी बुलेट ट्रेन की बॉडी पर टच कर दिया तो आपका वो सामान विद इन अ सेकेंड गोल्ड में बदल जाएगा क्या तू पागल हो गया है क्या अरे हाँ टोनी सर ऐसा कैसे हो सकता है अरे हल्क को भी तो समझ नहीं आ रहा ये टोनी पागल हो गया है क्या मैंने इसी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए दस हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए तुम लोगों को यकीन नहीं है लो अपने ही ट्रेन स्टेशन की एक बेंच ले लेते हैं अरे बाप रे गाइस अगर ऐसा हो गया तो सच सच में सबकी गरीबी पीछे छूट जाएगी सब अमीर हो जाएंगे भाई इस बुलेट ट्रेन ने तो यार ट्रेन में कमाल ही कर देगी बुलेट ट्रेन अरे भैया टोनी जरा दिखाते सही हाँ दिखाता हूँ दिखाता हूँ भाई देखो भाईओ अः भाईओ बहनों देखो आराम से यहां पर आप कोई भी सामान लेकर आओ उसको इस बुलेट ट्रेन की बॉडी पे टच करो और अगले सेकंड उसको गोल्ड में कन्वर्ट होते हुए फेंकी तो हो तो हो तो हो तो थी क्योंकि मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दिखी थी, थी इस नई गोल्ड की बुलेट ट्रेन में <laughs> तो कौन कौन तैयार है मेरी नई गोल्ड की बुलेट ट्रेन की शेयर करने के लिए और अमीर बनने के लिए मेरा भी एक टिकट लगवा दे आप

है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो मैं तो चाहता हूं सबको शुभ शुभ हो भाई टोनी तू अमीर बन जाए भाई तू तो सच में सबकी एक मिनट टोनी ये ट्रेन के इंजन में ये धुआं क्यों निकल रहा है अबे ये 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 क्या गड़बड़ हो गई अरे भैया टोनी तूने तो बोला था हमारे सामान जो होंगी वो चीजें गोल्ड में बदलेंगी पर हम तो गोल्ड में जमने लगे व्हाट अबे ये, ये क्या गड़बड़ हो गई अरे papi मैं तो गोल्ड में जम गई मेरे पैर हिल नहीं पा रहे मुझे कोई बचाओ अरे मैया मुझे अभी कोई बाहर निकालो मेरे

오케이. Okay. इस बुलेट ट्रेन का बोनट नहीं खुलता क्या अरे नहीं फ्रैंकलिन तुझे डायरेक्टली अंदर जाना पड़ेगा व्हाट कैसी बुलेट ट्रेन है भाई बोनट भी नहीं खुलता खैर छोड़ो अरे वॉपरे मैं तो अंदर घुस गया सच में इसके ऑल राइट दोस्तों वहां पे दो शॉर्ट सर्किट हुए पड़े थे वो तो मैंने रिपेयर कर दिए बस ये साइड वाले और बीच के दो और रह गए भाई साहब कितने सारे शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं फ्रैंकलिन जल्दी कर इन लोगों को भाई साहब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है लोग मेरी बुलेट ट्रेन छोड़ के भग जाएंगे मैं बर्बाद हो जाऊँगा टोनी मैं तो देख अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ बट गाइज टोनी ने मुझे इस काम पर लगाई क्यों दिया भाई मैं इतना टॉप का इंजीनियर नहीं हूँ फ्रेंकलन देख ना भाई मैं

ये प्रॉब्लम तो उससे ज्यादा बढ़ गई और यहाँ पर खतरनाक तरीके के धमाके हो रहे हैं भाई साहब अरे भैया कोई कोई बचा 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 हमें ये, ये बुलेट ट्रेन तो मुझे अपने साथ लेकर जा रही है हल्क को भी साथ लेकर जा रही है सब मुझे भी पकड़ लिया बुलेट ट्रेन ने तो ओ oh गॉड ये बुलेट ट्रेन तो मुझे लग रहा है डायमंड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत बनने वाली है अपने लिए ये क्या मजाक है यार ये गोल्ड की बुलेट ट्रेन इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट की हो रही है और ये लोगों को ही गोल्ड में क्यों जमा रही है मर गया ओ नो ये ये से क्या हुआ खतरनाक ब्लास्ट क्यों हुआ ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर अरे अरे एक मिनट अवेंजर्स पैसेंजर्स अरे कहाँ हो तुम लोग गाइस बुलेट ट्रेन कहाँ गई अभी तो वो हवा में ब्लास्ट हो रही थी फायर वगेड वाले अभी तक आए क्यों नहीं टोनी टोनी भाई होश में आ अबे टोनी जल्दी उठ क्या हो गया यार ये अरे अरे चौप सिंह पिनचन तुम लोग तो होश में आ जाओ यार सिंह पिनचन ओ नो ये क्यों होता है यार हमारे साथ क्यों खतरनाक तरीके की तबाही हो गई ओ माई कॉड यहाँ पे जो कुछ बेचारे पैसेंजर्स बचे थे ट्रेन में बैठने के लिए वो सब भी उस चपेट में आ गए और बेहोश हो गए भाई और यहाँ पर इतनी सारी जो सीट थी लोगों के बैठने के लिए वो सब कहाँ गई कहीं वो बुलेट ट्रेन अपने साथ उनको भी तो नहीं ले गई ओ नो हमें गाइस टोनी को होश में लाना पड़ेगा फिर उसके बाद ही कुछ हो सकता है टोनी भाई अरे जल्दी होश में आ फ्रैंकलिन फ्राइकलनिया क्या हो गया अरे बोला ट्रेन अरे बोला ट्रेन का चली गई अरे मेरी सोने की बुलेट ट्रेन टोनी मुझे लगता है तेरी सोने की बुलेट ट्रेन अनकंट्रोलेबल हो गए भाई रेल की पटरी पे सीधी उड़ के चली गई इतना ही नहीं अवेंजर्स भी नहीं दिख रहे और कितने सारे पैसेंजर्स नहीं दिख रहे मुझे लगता है तेरी बुलेट ट्रेन भाई सब जिसको भी टच करेगी सबको गोल्ड में बदल देगी फ्रैंकलिन तू तूने क्या कर दिया मेरी बुलेट ट्रेन में इतनी परेशानी तो नहीं थी क्या ये एक मिनट तू मेरा इल्जाम लगा मेरे पे इल्जाम लगा रहा है भाई तू ने मुझसे कहा था बुलेट ट्रेन को ठीक करने के लिए जबकि तुझे ऑलरेडी पता था मैं इतना बड़ा इंजीनियर नहीं रैंक लाइन मेरा दिमाग खराब हो रहा है मैं जा रहा हूँ मरने नहीं तू मर नहीं सकता तू पागल हो गया है क्या तेरे ऊपर इतने सारे लोगों की जान की जिम्मेदारी है एंटोनी तुझे उन सब लोगों को बचाना पड़ेगा ट्रेन को देखना पड़ेगा वो गई कहाँ पर उसको रोकना होगा और साथ साथ में जो लोग वहां पर गोल्ड में जम गए हैं उनको वापस से नॉर्मल ह्यूमन बनाना होगा मैं क्या करो भाई अब लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तू चिंता मत कर जो परेशानी हमसे हुई अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखिए टोनी को थोड़ा सा हौसला दीजिए तो भाई मरने की बातें कर रहा है आप लोग जल्दी प्लीज कमेंट में यस लिखो जिससे कि टोनी को थोड़ी बहुत हो पा जाए अच्छा ठीक है तो फिर पहले यह पता करते हैं कि ट्रेन है कहां पर उसके लिए हमें सीधा जाना पड़ेगा सिंचे तुम ट्रेन स्टेशन का ख्याल रखना प्लीज हम लोग आए राइट कोई कार ले लेते हैं ये वाली कार चल जाएगी क्यों नहीं जल्दी से कार में बैठ मेरे भाई हमें पता करना पड़ेगा अपनी सोने की बुलेट ट्रेन कहाँ गई भाई ऐसी बुलेट ट्रेन टोनी तूने बनाई क्योंकि कि वो चीज़ों को सोने में कन्वर्ट करे अब मैंने सोचा था लोगों की गरीबी या दूर करूँगा पर मुझे क्या पता था कि वो बुलेट ट्रेन में इतनी दिक्कत हो जाएगी कि वो लोगों को ही सोने का बनाने लग जाएगी वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो रहा है भाई साहब ये चलो कोई बात नहीं है हम लोग एक बार बुलेट ट्रेन के पास पहुँच जाएँ फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाली लेंगे उसको रोकने का ओके 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 टोनी मुझे वो दिख रही है

अटैक करूंगा तो शायद बात बन पाए और राइट ओके okay, ओके okay, okay, यहां से ट्राई करते हैं अरे बाप रे इंजन को मत फाड़ो वरना हम भी मर जाएंगे अब आ, बात तो सही की एक काम करते हैं कार को यहाँ के देखेंगे क्या? क्या पता बुलेट ट्रेन रुक जाए अरे बाप रे बुलेट ट्रेन तो रुकने का नाम ही ले रही है बुलेट ट्रेन की स्पीड और ज्यादा हो रही है हमारी जो ये बुगाटी है भी कुछ नहीं कर पाएगी मैंने अपना इस सोने का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगा दिया है क्या पता मेरा गोल्ड का हेलीकॉप्टर गोल्ड की बुलेट ट्रेन को रोक पाए ये तो है गाइस लोहे को लोहा ही काटता है आई थिंक ये जो अपना गोल्ड का हेलीकॉप्टर है ये भाई साहब यहाँ पर इस बुलेट ट्रेन को रोक पाए कमोर कमोन

मैं यही मारूंगा नहीं टोनी रुक मैं अभी इस गोल्ड को तोड़ फोड़ के तुझे बाहर निकालता हूँ ये क्या हो रहा है यार टोनी के पैर देखिए कैसे गोल्ड में जम चुके हैं भाई अब टोनी अरे भाई थोड़ी तो कोशिश कर हिलने की फ्रैंकलिन भाई मुझे बचा अरे एक मिनट ये शायद वही हेलीकॉप्टर है जो हमने भाई टक्कर करवाई थी और देखिए गाइज उसके जितने भी टुकड़े यहाँ पे गिरे थे रेल की पटरी पे आके वो सब गोल्ड में बदल गए अपनी कार भी गोल्ड की बन गई थी अब ये काम करते हैं जल्दी से अपनी गोल्ड की कार में बैठते हैं और टोनी को टक्कर मारते हैं शायद यहाँ पर टोनी जो है गाइज वो वापस से वापस से उसके पैर नॉर्मल हो जाए मुझे नहीं पता या हो सकता है उसके पैर बस गोल्ड में जम गए हो एक तरह से बस अगर वो गोल्ड को महटा तो टोनी बच जाए आई थिंक ये वाला फॉमूला ज़्यादा रहेगा का। मैं काम करता हूं टोनी के पैरों पर यहां से नीचे से टक्कर मारता हूं तो शायद टोनी हट पाए अब मेरे पैर मत तोड़ दियो भाई तो अरे नहीं नहीं टोनी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं ये साइड से मारा मैंने ये ले वाह फ्रेंकले वाह मेरे पैर गोल्ड में से बाहर निकल गए ओके okay, चलो भाई सब कुछ तो अच्छा हुआ अरे अरे ये क्या हो गया अरे बाप रे बच गया मैं मिनट टोनी कहाँ पर गया टोनी भाई कहाँ पर है मेरी बात मान मरने दे भाई अब कोई होप नहीं है अरे बात तो तूने सही कही यार अब हम बुलेट ट्रेन को कैसे रोकेंगे ये तो कोई साधारण बुलेट ट्रेन भी नहीं है सोने की बुलेट ट्रेन है अपनी तो डायमंड की बुलेट ट्रेन को रोकने में बैंड बज गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और बच्चा रो मत वसा तो

गायब हो जाएंगी साथ साथ में वो चीज वहीं रुक जाएगी क्या सच में इसका मतलब अगर हम बुलेट ट्रेन पे उस मिसाइल का अटैक करेंगे गाइस तो वो बुलेट ट्रेन जो कि लोगों को सोने का बना रही है वो इस लोगों को सोने का बनाना बंद कर देगी और साथ साथ में रुक भी जाएगी बिल्कुल बादशाह मैं सच्ची बोल रहा हूँ मेरा साथ आओ जल्दी सा ये रहा वो मेरा खतरनाक रॉकेटरी मिसाइल रॉकेटरी मिसाइल भाई साहब

बढ़िया अरे गाइस लगा ही था कि मिस्टर रेड हमारी बिना पैसों की मदद क्यों ही करेगा टोनी स्टार्क भाई दे दे इसको सौ करोड़ रुपए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन वैसे भी मेरे दस हज़ार करोड़ तो भाई उस गोल्ड बुलेट ट्रेन में लगे ही पड़े हैं मैं सौ करोड़ बचा के करूँगा क्या ले भाई डॉक्टर मिक्सेट अब जल्दी से चल फ्रैंकलिन अब एक ही मिनट इस इतने बड़े रॉकेट को हम लेकर कैसे जाएंगे भाई साहब ये तो रॉकेट नहीं रॉकेट रहा है अरे हाँ यार तूने सही कही तीन चार ट्रक लगेंगे कम से कम गाइस इस रॉकेट को संभालने में अरे मिस्टर रेड भाई हमारी मदद कर दे यार इस रॉकेट को वहां ट्रेन तक पहुंचाने में अरे बिल्कुल क्यों नहीं अभी करता हूँ तुम्हारी मदद ये क्या कर रहा है तो, मिस्टर रेड अरे मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रहा हूँ तुम्हें क्या लगा मैं अपना ये सौ करोड़ का रॉकेट तुम्हें सौ करोड़ में ही दे दूंगा अरे मैं इसको अपने दुश्मन देश के आर्मी को दो सौ करोड़ में बेचूंगा और तुमको कर लूंगा जेल में बंद नहीं ये नहीं हो सकता अरे पापा ये क्या अब हमने तुझे पैसे दे दो दिए मिस्टर रेड तुझे सौ की जगह दो सौ करोड़ चाहिए वो भी ले ले भाई अरे नहीं बच्चा मैं तुमको नहीं बचूंगा अच्छी बात है तू बर्बाद हो जा फिर दुनिया का सबसे बड़ा

इडिया का साहब एक काम कीजिए जल्दी से कमेंट में ढेर सारे अनलॉक वाले इमोजी स्पैम कर दीजिए अगर आप ऐसा करेंगे ये हमेशा काम किया है दोस्तों प्लीज जल्दी से अनलॉक वाला इमोजी काम स्पैम करो इससे ना जाल टूट जाएगा फिर मैं मिस्टर रेड को और इसके दुश्मन आर्मी को छोड़ूंगा नहीं प्लीज जल्दी से करो अरे लगता है जाल खुल गया अरे हाँ जाल खुल गया आराम से भाई और ये लो तुम भी अरे बाप रे कौन मार रहा तुम्हें और अभी बताता हूँ के बच्चे ये वाला रॉकेट मिसाइल तो हम ही लेके जाएंगे और डायमंड हो या फिर गोल्ड की

यहाँ पर तो भाई साहब और रॉकेट आ रहा है खतरनाक वाला और ये वो धमाका उड़े कसम ये क्या हा अरे बाप रे हल्के तो बैंड बज गए अरे बाप रे ये धमाका क्यों है ओ माय गॉड रॉकेट जैसी टकराया पूरी की पूरी गोल्ड की बुलेट ट्रेन एक सेकंड के लिए तो काली पड़ गई भाई एक मिनट बुलेट ट्रेन रुकी क्या नहीं बुलेट ट्रेन कहाँ गए अब फ्रैंकलिन बुलेट ट्रेन नहीं रोके भाई वो सीधे यहां से भाग गए ओ नो मैंने देखा था यहाँ पर भाई साहब हल्क ही सोने में फंसा हुआ था और एक साथ से हल्क उस, उस रॉकेट से टकराती उछल गया हवा में और उसके बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भाई साहब ट्रेन काली पीली भी पड़ी बट भाई साहब वो रॉकेट भी हमारे कुछ काम नहीं आया मिस्टर रेड का भाई साहब कोई भी सामान हमारे काम नहीं आया हमारा तो सारा समय बर्बाद हो गया एक मिनट वो कार कहाँ पर गई टोनी मेरे पास एक आइडिया है किसरा का आइडिया क्यों ना हम यहाँ पर धरती का सबसे

लेट्स गो गाइस अपना काम हो जाएगा अब तो आराम से नहीं बापरे हम तो बड़े हो गए एक मिनट ये सिंचा बिंशन चौप की रोने की क्यों आ रही है, मुझे क्या पता एक मिनट ये तो ये है। अरे? चौप, तुमने अभी तक भाई स्टेशन पे जो आग लगी है में में, वो आग क्यों नहीं जाए? हे, फैंकी दी थी आपने तो सब कुछ करा दिया था लेकिन वो जॉयट जीवन इसके बड़ी आ गया उसने कब्जा कर लिया पूरे स्टेशन पे और ऊपर से वो तो ट्रेन पे भी पहुंच गए गोल्ड वाली पे पूरी गोल्ड की बुलेट ट्रेन पूरी कब्जा करने का बोल रहे हैं वो क्या जायट जीवन इसके बड़ी ने अपने ट्रेन स्टेशनों साथ साथ में ट्रेन पे कब्जा करने का पूरा का पूरा प्लान कर लिया है अब फ्रैंकलिन एक मुसीबत खत्म नहीं होती है दूसरी कहां से आ जाती है कोई बात नहीं है उस जीमैन को तो मैं अपने आयरमैन के सूट से बैंड बजा दूंगा है कहा और वो रहा बड़े इसके बड़े ये पूरा का पूरा स्टेशन है मेरा हुआ इसके बड़े इसके बड़े मैं यहाँ पर अब किसी को नहीं आने दूंगा अब मेरे बीवी बच्चे इस स्टेशन से ट्रेवल करेंगे इसके बड़े इसके बड़े अभी बताता हूँ बच्चे कौन यहाँ पे ट्रेडमिल से ट्रेडमिल नहीं भाई ट्रेवल करेगा मेरी ट्रेन से है, नहीं पहले मेरी ट्रेन ही रुक जाए उसके बाद ये देखो ये 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 ये, ये। इसके बड़े नहीं नहीं आप पापा इसके बड़े और ये किस तरह के अटैक कर रहा है तो इसके बड़े इसके बड़े टोनी जल्दी कर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है हमें थोर का हैमर भी चाहिए भाई और इसके बड़े इसके बड़े टोनी मैं तुझे यही बर्बाद

वैसे तो थौर का हैमर मैं भी यूज कर सकता हूं बट दिक्कत यह है गाइस मैं उसको बस हाथों में उठा पाता हूं उसमें से कोई बिजली की ताकत या फिर सुपर स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाता ये रहा गाइस थॉर का हैमर थॉर ने ना जाने कितने सालों से इस हैमर को यूज नहीं किया बट अगर आज फ्रेंकले हैमर का इस्तेमाल कर लेगा तो शायद भाई यहां पर हमारी बुलेट ट्रेन को बचा पाए साथ साथ में अवेंजर्स को भी और उस पर फंसे पैसेंजर्स को भी वो बुलेट ट्रेन में पता नहीं ऐसी कौन सी गड़बड़ हो गई कि वो बुलेट ट्रेन भाई इंसानों को ही गोल्ड का बनाया चलो जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि सारे वेंजर्स गोल्ड में जम जाए नहीं तो ले अरे बिल्कुल

सोने में नहीं जमना अरे बाप रे ये क्या हो गया जिंदगी बस चाहता मैं अमीर हो जाऊं मुझ पे सोना हो लेकिन अब तो मैं ही सोने का बन जाऊंगा हमें बहुत गुस्सा आ रहा है अरे हल्क को बचाओ हल्क की कोई मदद करो अरे पीछे से आवाज आ रही है हल्की हल्क लगता है किसी बड़ी मुसीबत में अरे हल्क को तो लगता हमें तो लगता है हमारे हल्क पे किसी ने हमला किया वाह जी क्या हम तो यहाँ पर आराम से इस खतरनाक कोल से बाहर निकल आए तो और जल्दी जा और जाकर जल्दी से हल्क को बुलाया हमको भी इस सोने में से बाहर निकाल हम कब तक यहाँ पे जमे रहेंगे ओए जल्दी जल्दी कर थोर। जल्दी हल्क कर थोर से की मदद अरे हल्क को को कोई बचाओ फंसा हुआ है कसम मैं मैं तो सोच रहा था मैं तुम लोगों पहले बचा लू लेकिन कोई बात नहीं है पहले मैं हल्क को बचा कर लाता हूँ उसके बाद हम इस सोने का भी कुछ करते हैं और तुम लोगों को भी बचाते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा अगर हल कर तू होगा साथ में थोर तो हम बच पाएंगे उठी कसम मैं आ रहा हूँ अरे बापरे ये क्या हल्क तो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है हल्क ये क्या हाँ हल्क इस रॉकेट पे फंसा हुआ है हल्क के ऊपर किसी ने रॉकेट फेंक दिया अरे बापरे ये क्या हो गया ये तो बहुत ही खतरनाक रॉकेट लगता है रुक जा अभी मैं अपने हथौड़े की अरे नहीं हमारा हथौड़ा तो हमारे पास है ही नहीं हमें अपने घूसों से ही ये नहीं घूसे और लात से ही इस रॉकेट को हटाना होगा हल्क को जल्दी हटा हल्क बेहोश हो जाएगा हल्क मर जाएगा हल्क तो तो तरफ चल के आ रहा है, बड़ी खतरनाक वाली यहाँ पर ये ले रॉकेट से इस खतरनाक रॉकेट को फोड़ दूंगा अरे ऐसा मत कर वरना हल्क भी फट सकता है ये ले। हम यहां पर तुझे बचा लेंगे हल्क रे हमने रॉकेट को फाइनली गिरा दिया ये क्या हल्क अरे हल्क कोई जवाब दे हमको

ट्रेन अगर नहीं रुकी ना तो पूरी दुनिया को सोने का बना देगी इसलिए हमें उस ट्रेन को रोकना ही पड़ेगा ओके okay. ओके okay, भाई साहब काम करते हैं गाइस जल्दी से यहाँ पर हथौड़े की बिजली को एक्टिवेट कर लेते हैं लेट्स धीमी है? हो गई पहले से और ट्रेन पे पूरी की पूरी बिजली उतर आई है भाई। अरे ट्रेन की स्पीड तो कम हुई खाई देखिए ट्रेन के काफी डब्बे तो भाई बिजली से जल भी गए मेरे हिसाब से ट्रिक काम कर जाएगी जो नहीं भैया लेकिन ट्रेन पे बिजली होने से तो सब मर जाएंगे अबे ये तो सोचा ही नहीं हमने फ्रेंकलाइन माइकॉन हाँ, ट्रेन की बिजली तो भाई सबको मार देगी हाँ, बिजली का करंट लग रहा है अरे नहीं ये तो गड़बड़ कर दी भाई गाइस ट्रेन की स्पीड तो कम हुई बट भाई साहब अगर, मैंने अगर की स्पीड बिजली का किया, तो, ट्रेन तो रुक जाएगी बट लेकिन न, सितने भी पैसेंजर्स ट्रेन पर बैठे हैं, वो सब मारे जाएंगे काश, मेरे पास दूसरी गोल्ड की बुलेट ट्रेन होती तो मैं यहां पर बुलेट ट्रेन को रोक पाता वैसे टोनी थ्री डायमंड की वो कहां गई अरे वो तो मैंने समुद्र में फेंकवा दी उसका ट्रेन गंजा नहीं बचा था क्यों हम डायमंड की बुलेट ट्रेन लाए रेल की पटरी पर उसकी टक्कर कराएं शायद यहां पे फिर ये गोल्ड की बुलेट ट्रेन रुक पाए अबे हाँ तूने सही कहा वैसे भी डायमंड जो होता है वो गोल्ड से भी कहीं ज्यादा हार्ड होता है इसलिए वो बुलेट ट्रेन अब रेल की पटरी पर चल तो नहीं पाएगी लेकिन हाँ दूसरी गोल्ड की बुलेट ट्रेन को रोकने में जरूर मदद कर देगी हमारी और ये तो सही प्लान है टोनी अब जल्दी बताओ वो समुद्र कहां है जहां पर तूने वो डायमंड की ट्रेन को फेंकवाया था वैसे फ्रेंकल ने वो डायमंड की ट्रेन कुछ बची नहीं थी उसका बस इंजन इंजन डायमंड का रह गया था बाकी जितने भी डब्बे थे वो कोई लावा का बना पड़ा था कोई

और उस गोल्ड के अरे गोल्ड नहीं भाई वो तो डायमंड का डब्बा है जल्दी उस डायमंड के डब्बे को निकाल के लाता हूं हाँ भाई ये रहा डायमंड का मेरा प्यारा ट्रेन का इंजन मैंने कहा लिटरली मैं इसमें भी करोड़ों लगाए थे पर मैं बर्बाद हो गया पर अब मैं नहीं चाहता मेरी गोल्ड की बुलेट ट्रेन भी बर्बाद हो जाए इसलिए हम उसको रोक के रहेंगे और डायमंड का कलर देखिए अभी भी ऐसा का ऐसा ही चमकने वाला है जैसा पहले वो करता था हाँ लेकिन काफ़ी गंदा हो गया है फैनली हमें इसकी साफ़ सफ़ाई करनी होगी और इसको ट्रक में कन्वर्ट करना होगा जिससे कि यहाँ पर हम ट्रक चलाकर आराम से रेल की पटरी पर रख पाए और उन दोनों का एक ऐसा घमासान अटैक होगा कि बुलेट ट्रेन जो अपनी गोल्ड की है वो सेकेंड से तो रुक जाएगी यहाँ से मेहनत किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कल सुबह तक अपनी हम right, तो लेकिन कोई बात नहीं है, की सही थी, हमने डायमंड का ट्रक बना लिया भाई डायमंड की बुलेट ट्रेन के इंजन में से और देख फ्रेंक कितना चमक रहा है ये। कितना औसम लग रहा है आप इस डायमंड के ट्रक को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे टेन आउट ऑफ टेन टेन आउट ऑफ फाइव या फिर टेन आउट ऑफ हंड्रेड मेरी तरफ से तो भाई टोनी टेन है है क्या बनाया यार तूने तूने अबे भी तो तो मेरी मदद की की भाई तेरे बिना मैं मैं काम नहीं कर पाता तो कब मरने जा रहा था अपने right, अपने अपने हमने ना अपनी गोल्ड की बुगाटी को मिजन को यहां पर अपने डायमंड के ट्रक के ऊपर रख लिया है क्या बात है चलो संजय चौब क्या पता आज के बाद कभी ये डायमंड के ट्रक पे शेयर करने मिले ना मिले वैसे टोली तो कितने परसेंट चांसेस की बुलेट ट्रेन डायमंड के ट्रक से रुक जाएगी

हमें यहाँ पर गोल्ड में जकड़ रखा है इस ट्रेन ने ऊपर से इसकी बड़ी और हमारी बैंड में जाने आ गया अरे बापरे हल्के दोस्तों को कौन आग में चला रहा है तुम मेरा क्या ही कर लोगे अब तो यहाँ पर टोनी स्टैक भी सुसाइड करने जा रहा है क्योंकि उसके बस की बुलेट ट्रेन को नहीं रोकना है अरे रे ये क्या हो गया टोनी सर हमें छोड़ के नहीं जा सकते ऐसा नहीं हो सकता है टोनी पक्का हमारी मदद करने आ रहा है इसके बड़े बड़ी

it's so ये क्या देख रहा हूं मैं डायमंड के ट्रक ने लिटरली मैं यहां पर गोल्ड की बुलेट ट्रेन को रोक दिया है और गाइस ये देखिए ऑस क्या बड़ा क्या बड़ा तुम सही नहीं कर रहे हो हमारे साथ जितने भी स्केबड़ीज थे वो भी यहां पर पकड़े गए ये लो स्कडीज के बच्चों आ रहे हैं के हमें तो ब्लैक फ्रेंकलिन ने बोला था स्केबड़ीज के वो ब्लैक फ्रेंकलिन का बच्चा तो भाग के बच गया लेकिन कोई बात नहीं है अगर आप चाहते हो हम इस गोल्ड की बुलेट ट्रेन को नॉर्मल कर दें मतलब रहेगी तो गोल्ड की बट हाँ ये लोगों को गोल्ड ना बनाए तो जल्दी से कमेंट में पार्ट टू लिखो और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो बहुत मजा आएगा थैंक यू सो मच